हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में पहले ये बताएंगे कि आपको कि पीएफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों यदि आपके बैंक खाते में पीएफ अकाउंट से सेटल्ड रुपए आपके खाते में नहीं आए हैं तो कैसे 2 या 3 दिन के अंदर आप ला सकते हो, तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। उससे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस को खोल लेना है। उसके बाद ये खुलेगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस, और दोस्तों इसमें आपको स्टेटस के अंदर पीएफ मेंबर के अंदर टिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद वेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ मांग रहा है डू यू हैव ए क्लेम आई डी, इसमें दोस्तों आपको नो करना है। नो करने के बाद दोस्तों आपको इसमें यूएन नंबर, यूएन अकाउंट नंबर और सिक्योरिटी कोड मांगेगा। दोस्तों अपना यूएन नंबर, अकाउंट नंबर और सिक्योरिटी कोड इसमें आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों इसमें सब गेट डिटेल पर दबाना है। गेट डिटेल दबाने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद अपन को नीचे चलना है। दोस्तों नीचे चलने के बाद अपन देखेंगे दोस्तों अपना जो भी डाटा है, अपना यूएन नंबर में जो भी एडिट है, वो मोबाइल नंबर और नाम वो उसमें आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद ओटीपी पे दबाना। ओटीपी दबाने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल नंबर या जो भी जीमेल आईडी रजिस्टर है उस पर अपना ओटीपी जाएगा। ओटीपी इसमें आपको डालकर सबमिट पर दबाना है दोस्तों। सबमिट पर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके पर दबा देना है। ओके पर दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर्सनल डिटेल भरनी होगी दोस्तों। उसमें जेंडर में मेल भरना है। मेल में दोस्तों एड्रेस भरना होगा। एड्रेस दोस्तों वही डालना जो आपके आधार कार्ड में है। आधार कार्ड से जो भी एड्रेस है दोस्तों वो इसको इसमें सेम के सेम डाल देना। लाइक आप गांव का नाम, पोस्ट और तहसील और पिन कोड नंबर दोस्तों, स्टेट और कंट्री आपको इसमें सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें पहले से ही सेलेक्ट कर रखी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डाल के आपको नीचे चलना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है सेलेक्ट पीएफ नंबर फॉर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर दोस्तों यदि आपके 2 या 2 से अधिक कंपनी में काम किया है तो 2-3 नंबर होंगे दोस्तों। तो मेरे में तो 1 है दोस्तों, मैं उसको दबा देता हूँ। दबाने के बाद दोस्तों अपन चलते हैं यहाँ पर पीएफ ऑफिस पर दबा देना है, तो क्योंकि दोस्तों अपन को पीएफ ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर काम है। उसके बाद दोस्तों इसमें सेलेक्ट करने आपको क्या कैटेगरी है, क्या आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, किससे रिलेटेड करनी है, वो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले नीचे चलते हैं। ठीक है, जूम कर लेता हूं दोस्तों मैं। जूम करने के बाद नीचे चलते हैं। नीचे चल के आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या सेलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे चलना होगा। नीचे चलते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, दोस्तों उसको दबा देना। दबाने के बाद दोस्तों आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा कि दोस्तों कि सर मेरा जो भी मैंने फॉर्म भी आया है, फॉर्म 19 एडवांस के लिए फॉर्म भरा है, वो मैं पहले इसमें भर चुका हूँ, 2 अप्रैल को भरा है, और दोस्तों मेरे को 25 अप्रैल के अंदर ये सेटल लिखा गया है, फिर भी दोस्तों मेरे अकाउंट में अभी भी पैसे नहीं आए हैं, तो सर आप प्लीज़ मेरे अकाउंट में पैसे डलवाने की कृपा करें। दोस्तों मैं इसमें आप ये सब कुछ डाल सकते हैं दोस्तों, मैं ये आपको डाल रहा हूँ, इससे आप भी अच्छा से अच्छे डाल के आप और भी जल्दी आप निकलवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी कारण बता सकते हो दोस्तों, तो मैं इसमें आपको डाल के बता देता हूँ। दोस्तों मैंने इसमें अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप भी अच्छे से अच्छा डालकर आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही डालें, डालने के बाद अपन को नीचे ऐड दिया हुआ है, देखते हैं, जूम करके बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऐड में आपको दबा कर थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखेंगे कि दोस्तों हमारे पास जो भी आपने कंप्लेंट लिखे थे दोस्तों, अमाउंट नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, ये आपका ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट पर दबाना होगा। ठीक है, सबमिट पर आपको, और दोस्तों आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, और यदि आपको और भी एडिट करना है कि क्या है वो इसमें एक्शन में आप कर सकते हो। करने के बाद दोस्तों इसमें सबमिट पर दबाना होगा। दबाने के बाद थोड़ा आप वेट करना। वेट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि वेट नीचे चलना सर दोस्तों। दोस्तों आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको या तो स्क्रीनशॉट करके निकाल लेना है, या इसको नीचे आपको बताएंगे कि पीडीएफ में आप डाउनलोड कर भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे एक क्लिक है, यहाँ पर दबा पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, क्वेश्चन हो, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये दे रखी है यहाँ पर, इस पर जाकर आप मेरे को बता सकते हो और क्वेश्चन भी कर सकते हो।